हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है, आपका जो जीआईसी का एग्जामिनेशन है वो आपके जून में है, और जो आपके जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है वो है आपका अभी 3 महीने बाद है। तो आप अपनी तैयारी को, यानी अप्रैल में है, अपनी तैयारी को धार देना शुरू करिए। हमारे साथ बॉटनी और जूलॉजी के मित्र तुरंत जुड़े, हमारे सारे वीडियो को देखें। हम वादा करते हैं कि 50 से 60% क्वेश्चन जो हम आप सॉल्व पेपर डाल रहे हैं उससे 100% फंसने हैं। आपको 20 से 25 और 30% क्वेश्चन आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। जो नोट्स हैं अगर मिलते हैं तो वो हम उपलब्ध कराते हैं। तो जुड़े हमारे साथ, बने रहिए और तैयारी को तेजी के साथ करिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और आप फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर आदि पर वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे चैनल ग्रोथ करेगा और सबको इसका लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये हमारा जो वीडियो होगा वो 90 बॉटनी स्पेशल है, 98/1 इसका पार्ट होगा, 1, 2, 3, 3 से 4 पार्ट में 120 क्वेश्चंस हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो एलटी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, इसके अलावा पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछे गए हैं। तो जीडीसी वाले मित्र इसको 100% देखें, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जीडीसी वाले यहाँ से देखें, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने हैं। और पीजीटी वाले हमारे मित्र भी देखें, क्वेश्चन यहीं से बनने हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। टोटल रूट पैरासाइट इज, टोटल रूट पैरासाइट इसमें से कौन है? तो टोटल रूट पैरासाइट सेंटेलम, तो आप जानते होंगे सेंटेलम किसको बोलते हैं, चंदन को बोलते हैं, कस्कुटा अमरबेल को बोलते हैं, और ओब्रैंकी और लोरेंथस। तो टोटल रूट जो पैरासाइट है वो कौन सा है? टोटल रूट पैरासाइट इज, तो ऑप्शन वन का कौन सा सही होगा? तो टोटल रूट पैरासाइट आप यहां देख लीजिए, आप जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, टोटल रूट पैरासाइट में ओरोब्रैंकी आता है, रिफ्लेसिया आता है और सिस्टेंकी आता है और स्ट्राइगा आता है। ध्यान रखिएगा, ये टोटल रूट पैरासाइट है, आप इनको कहीं नोट कर लीजिएगा। तो ओरोब्रैंकी जो होता है फैमिली ओरोब्रैंकेसी से संबंधित है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा है? ओरोब्रैंकी। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ये क्या है? ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। ये क्या है? और ये पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। तो ये ओरोब्रैंकी की हम बात कर रहे हैं। ये क्या है? टोटल रूट पैरासाइट है। तो आप ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? बी, ओरोब्रैंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन। तो सबसे लार्जेस्ट जो नंबर होते हैं, सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, लेमना में पाई जाती है? बिल्कुल नहीं। एडियंटम? बिल्कुल नहीं। न्यूरोस्पोरा? न्यूरोस्पोरा को एक ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। न्यूरोस्पोरा का नया नाम है ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। चूंकि हमसे क्या पूछा हुआ, तो पूछा है सबसे अधिक क्रोमोसोम या लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ऑफियोग्लासम में हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस वाज प्रपोज बाय, वंश की संकल्पना प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तावित किया था? तो टोनफोर्ड थे या कोयोन? तो इसका सही आंसर है जो टोनफोर्ड थे, इन्होंने जीनस कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस दिया था। यहां रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीनस कॉन्सेप्ट किसने दिया था? द इंसेक्टिवोरस प्लांट इज, इंसेक्टिवोरस इसमें से कौन सा प्लांट है? ऐसे प्लांट जो कीट बच्ची होते हैं उनमें, तो मोनो जो मोनोट्रैपा है इसके बारे में जान लेते हैं। मोनोट्रैपा एक ऐसा प्लांट है जो एंजियोस्पर्म है, सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म है, मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म है। तो ये कभी कभी पूंछ देता है। और लोरेंथस, तो अभी आपको बताया था कि जो लोरेंथस अभी बताया, ये क्या है? पैरासाइट प्लांट है। और ब्लैनोफोरा, तो इसका निपेंथीज जो है ये आंसर सी सही होगा, 4 का, ये एक कीट बच्ची पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीनस फैबा बिलोंग टू द फैमिली, जीनस फैबा किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो बताइएगा, तो जो फैबा है वो जीनस फैबा किसको? लेबिएटी को। लेबिएटी तुलसी की फैमिली है, ग्रैमनी ये अनाज की फैमिली है, कुकरबिटेसी कद्दू की फैमिली है, लेग्यूमिनेसी के 3 भाग होते हैं। तो ये ऑप्शन इसका ए सही होगा। क्या होगा? ए, लेग्यूमिनेसी। वन पोलिनियम ऑफ एक्सलपीडीएसी इज इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के स्तर का है। एक्सलपीडीएसी कुल का एक पोलिनियम बराबर होता है कितने पोलिनियम के बराबर होता है? तो एक्सलपीडीएसी कुल का
एक पॉलिनियम बराबर होता है तो किसके बराबर होता है? छह आपका आंसर दीजिए तो बी हाफ एंथर के बराबर होता है. किसके बराबर होता है? हाफ एंथर. वन पॉलिनियम इज एक्सलपीडीएसी इक्वल टू हाफ एंथर. एपीएसी इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ. एपीएसी किसका अल्टरनेसी नेम नाम है? तो चार ऑप्शन है, ग्रेमनी, ग्रेमनी का पोएसी, रूबीएसी, हाइप्रिकेसी. तो ये अम्ली फेरी का नाम है. अम्ली फेरी में अम्बल लाइक फ्लावर होते हैं जैसे धनिया आदि, जैसे आपके धनिया है और आपके क्या है सौंफ है, जिसमें फ्लावर अम्बल लाइक होता है. पाइपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ. पाइपस किसके मॉडिफाइड होते हैं? तो सेपल के मॉडिफिकेशन होते हैं. किसके होते हैं? सेपल के मॉडिफिकेशंस होते हैं. तो इसको कैलेक्स अगर दिया होता तो कैलेक्स ऑप्शन सही था. और यूनिट कैलेक्स क्या होती? सेपल. और कोरोला की यूनिट क्या होती? पेटल. स्टैमेन तो आप सब जानते हैं, गाइनोशियम आप सब जानते हैं. द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल रिक्वायर्ड द प्रोड्यूस 1000 माइक्रोस्पोर विल बी. 1000 माइक्रोस्पोर बनने में कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल का चाहिए? तो आप 9 का ऑप्शन बताइए, कॉमन सेंस की बात है. तो कितनी चाहिए? तो एक से कितने बनते हैं? एक से जो मियोसिस होता है तो एक से कितने बनते हैं जनरली? चार. तो चार बनते हैं, तो 1000 में हम किसके भाग दे देंगे? चार का भाग दे देंगे. तो चार को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 250. कितना आएगा? 250. तो ऑप्शन बी सही होगा. एंथर कल्चर वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय. तो एंथर कल्चर जो गुहा और महेश्वरी ने, किसने किया था? गुहा और महेश्वरी ने सर्वप्रथम एंथर कल्चर किया था. गुहा और महेश्वरी ने. अब देखिए जौहरी और महेश्वरी दे दिया कंफ्यूजन के लिए, गुहा महेश्वरी याद रखिएगा. मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप इन. मोनोस्पोरिक जो होता है वो कहाँ डेवलप होता है? तो उसका सही आंसर है पॉलीगोनम. एक बीजाणु भ्रूणकोश विकास करता है पॉलीगोनम में. किसमें विकास करता है? पॉलीगोनम में. तो इसका सही ऑप्शन क्या है? पॉलीगोनम टाइप. देखिए इनको कई कैटेगरीज में बांटा गया है एम्ब्रियो डेवलपमेंट को. तो पहला आता है मोनोस्पोरिक टाइप के जो एम्ब्रियो सैक हैं, और दूसरा आता है बाईस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक. यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो मोनोस्पोरिक में पॉलीगोनम टाइप आते हैं और आता है ऑर्निथेरा टाइप. ध्यान रखिएगा दो आते हैं. बाईस्पोरिक में आता है एलियम टाइप आता है, और फिर एक आता है टेट्रास्पोरिक टाइप एम्ब्रियोसाइक. तो बाईस्पोरिक में एलियम आता है और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसाइक भी एक आता है जिसमें पेप्रोमिया टाइप और पेनिया टाइप, और इसके अलावा फर्टिलेरिया टाइप और प्लम्बिजेला टाइप और प्लम्बाइगो, ये आते हैं कैटेगरीज. तो इनको एक बार देख लीजिएगा. देखिए क्वेश्चन बना है तो आप इसको देखिएगा, और चूंकि पूछा गया विगत परीक्षाओं में तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. ऑर्निथोफिलिक पॉलिनेशन इज कॉज्ड बाय. तो ऑर्निथोफिलिक पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? बैट्स के द्वारा होता है, बर्ड्स, इंसेक्ट और एलिफेंट्स. तो बताइएगा ऑर्निथोफिलिक जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? 12 में आप सही आंसर करिएगा. तो 12 का सही है बर्ड्स. हम आपको ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ना तो नेट चल पा रहा है, और मैं कोशिश कर रहा था कि आपसे ये डायरेक्ट लाइव टू लाइव सॉल्व कराएं, तो उसका मजा ही कुछ और था, मगर नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं. नेट की स्पीड नहीं पा रही है और वो बार बार परेशान. मैं 4-5 बार कल से कनेक्ट कर चुका हूँ. कुछ मित्र हमारे साथ जुड़ते भी हैं बेचारे, वो भी परेशान होते हैं. फिर हमने कहा चलो ऑफलाइन ही आपको उपलब्ध कराते हैं मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिबल पार्ट इन द फ्रूट आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस इज. एडिबल पार्ट इन फ्रूट ऑफ आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस इज. आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस के फल को खाने योग्य भाग होता है. तो बताएगा 13 में कौन सा सही ऑप्शन होगा, बताएं आप. तो 13 का बी होगा, ब्रैक्ट पेरियंट्स एंड सीट. ब्रैक्ट पेरियंट एंड सीट आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस का जो खाने योग्य भाग है वो ये होगा. तो ये हमने इसलिए दिखाया क्योंकि आपको भूल जाएंगे आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस. तो ये किसको बोलते हैं? जैव फ्रूट्स को बोलते हैं, कटहल को बोलते हैं. आप लोग कटहल खाते हैं ना, तो कटहल का कौन सा खाने योग्य भाग होता है? तो आपके सामने कटहल है, और कटहल का देखिए ऊपर का भाग हटाकर सभी कुछ तो खाया जाता है. तो इसका भाग कौन सा खाया जाता है? तो इस पे ब्रैक्ट खाया जाता है, पेरियंथ खाया जाता है. तो ये सारे पार्ट्स इसके खाए जाते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ दिखाया था. कौन सा भी? ब्रैक्ट पेरियंथ एंड सीड, ये वाला हिस्सा पूरा
खाया जाता है, आर्टोकार्पस हेट्रोफिल्लस। आर्टोकार्पस हेट्रोफिल्लस नाम बॉटनिकल नेम याद रखेगा, कटहल का कभी कभी पूछ देता है जैक फ्रूट का बॉटनिकल नेम, तो आर्टोकार्पस हेट्रोफिल्लस बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायनो बेसिक स्टाइल करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फैमिली, तो वो लेबिएटी का करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, जायगोट या मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, तो 15th में आप सही आंसर करिएगा कौन किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट करते हैं किसको, मेल गैमेटोफाइट को, किसको करते हैं, मेल गैमेटोफाइट को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन अकरिंग बिटवीन टू फ्लावर ऑन द सेम प्लांट टर्म्ड, तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जीटेनोगेमी, क्या बोलते हैं, जीटेनोगेमी, एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जीटेनोगेमी। जब पॉलिनेशन अकरिंग बिटवीन टू फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इस टर्म जीटेनोगेमी, जीटेनोगेमी के नाम से जानते हैं। द सीड कोट डेवलप फ्रॉम द, सीड कोट किससे डेवलप होता है, तो आप बताएंगे सीड कोट डेवलप होता है, आप बताएं किससे, 17 का आप सही आंसर करिएगा, तो वो डेवलप होते हैं ओव्यूल वाल से, किससे डेवलप होते हैं, ओव्यूल वाल से सीड का, सीड वाल का, सीड कोट का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ओव्यूल आर लैकिंग, इनमें किस फैमिली में ओव्यूल पूर्ण रूप से अपसेंट होते हैं या अनुपस्थित होते हैं, बहुत अच्छा, निम्नलिखित में एक एक किस कुल में बीजांड नहीं होते हैं, मालवेसी, कानोलेशी, सोलेनेशी और ब्लेनोफोरेशी, तो आप बताइएगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो वो होगा ब्लेनोफोरेशी, क्या होगा, ब्लेनोफोरेशी एक ऐसी फैमिली है जिसमें हमारे जो ओव्यूल्स होते हैं वो पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं, ब्लेनोफोरेशी, आप देख लीजिएगा ये ब्लेनोफोरेसी फैमिली के सदस्य हैं, और ये ऐसे ब्लेनोफोरेसी के जो सदस्य हैं इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है, ओव्यूल, तो ब्लेनोफोरेसी का पिक्चर हमने आपको इसलिए भी दिखाया है जिससे ये जो ज्ञान है वो लंबे समय तक आपके जो चच्चू हैं, ज्ञान चच्चू हैं, उस पर आपके अंकित रहे कि इनमें जो ओव्यूल होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं, तो कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी फ्रूट आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल कोन ऑफ पाइनस, हाउ मैनी फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल कोन ऑफ पाइनस, तो आप ऑप्शन क्या करेंगे, कितना, पाइनस के एक मादा संघ से कितने फल उत्पन्न हो सकते हैं, तो फल तो उत्पन्न होते भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा 19 में, आप आंसर करिएगा क्या होगा, तो 19 का डी, क्योंकि फल तो बनते ही नहीं, बीज सीधे लटकते हैं। एपोस्पोरी इन एंजियोस्पर्म फर्स्ट रिपोर्टेड इन, एपोस्पोरी को किसने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था, बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में एपोस्पोरी को किसने सर्वप्रथम बताया था, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, आंसर करिएगा और लिख भी लीजिएगा, तो वो कौन से थे, रोजनबर्ग थे, क्या थे, रोजनबर्ग ने पहली बार एपोस्पोरी को रिपोर्ट किया था। द मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस गाइनोसियम विद सुपीरियर ओवरी करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फैमिली, जीडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप आंसर बताएगा, तो 21 का सही आंसर होगा रेनन कुलेसी, मल्टीकार्पलरी होती है, एपोकार्पस गाइनोसियम होती, ओवरी सुपीरियर होती है, रेनन कुलेसी का करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट साइज ऑफ मेल गैमिट्स आर फाउंड इन, ये टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया, मेल गैमिट्स किस में देखने को मिलता है, तो साइकस में सबसे बड़ा गैमिट्स हमें देखने को मिलता है। कोलसिन प्रोड्यूसिंग प्लांट कोल्सियम आटुमिनेली बिलोंग टू द, तो ये किससे बिलोंग करती है, तो ये आप बताएगा 23 में ये किससे बिलोंग करती है, तो लिलिएसी से बिलोंग करती है, ये कई बार क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, तो प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किस में देखने को हमें मिलता है, तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन हमें किस में देखने को मिलता है, तो कैरियोफिलेसी में हमें फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही होगा, ब्रेस्केसी एस्ट्रेसी मालवेसी में देखने को नहीं मिलता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज हैज यूनिलोकुलर सुपीरियर ओवरी, ऐसी जिसमें यूनिलोकुलर सुपीरियर ओवरी पाई जाती है वो कौन सी फैमिली है जिसमें यूनिलोकुलर और सुपीरियर फैमिली देखने को मिलती है। तो 25 का सही आंसर आप करिएगा फटाफट। तो 25 का बी है पैपाविरेशी। पैपाविरेशी अफीम की फैमिली है, पैपर सोमनीफेरम इससे आता है। इसका एल्कोलाइड क्या होता है, तो मार्फिन इसका एल्कोलाइड होता है। और ये कैसे फल से प्राप्त की जाती है, तो अनराइप कच्चे फल से प्राप्त की जाती है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है अफीम से। अफीम किसका सदस्य है, तो आर्जीमोन मैक्सिकाना है जिसका सदस्य उसी का है। अरे नाम नहीं याद आ रहा मुझे, आर्जीमोन मैक्सिकाना के फैमिली का है। और इसकी खास बात होती है येलो लेटेक्स। देखो दिमाग से मिस हो रहा है भाई। सॉरी इस समय दिमाग से तो मिस हो गई इसकी फैमिली। मैं इसका देख के रहूंगा, ये तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम खड़ी करेगी। देखिए हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। पैपा भी रेसी तो इसकी फैमिली है। सॉरी वो पैपाविरेसी कन्फ्यूज हो। आर्जीमोन मैक्सिकाना पैपाविरेसी का पाया जाता है। और इसका सोलेनम जो इसका पैपर सोमनीफेरम हमने नाम बताया था, पैपर सोमनीफेरम दिमाग में था। देखिए क्वेश्चन लिखा था, आंसर भी लिखा था पैपाविरेसी, और दिमाग में स्लिप था कि इसकी फैमिली क्या है। ऐसे हो जाता है, तभी क्वेश्चन गलत होते हैं। पैपाविरेसी है। एडिबल पार्ट ऑफ द एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटली इज आर, तो इसमें हम क्या खाते हैं एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटली में, एडिबल पार्ट इसका क्या होता है आप बताएंगे। एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटली, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल में खाने योग्य भाग क्या होता है, तो बताइएगा। 26 का आप ऑप्शन फटाफट करिएगा। तो 26 का ए है कोटिलेडन एंड थैलमस। हम इसका कोटिलेडन्स और थैलमस खाते हैं। देखिएगा आपसे कभी कभी पूछ सकता है ऐसा कौन सा फल होता है जिसके बीज बाहर लगे होते हैं, ये भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। तो काजू आप जो खाते हैं, देख रहे होंगे ये काजू है, ये काजू बाहर लगा रहता है, फल के बाहर लगा रहता है। तो इसका हम कौन सा भाग खाते हैं, तो इसके हम क्या खाते हैं कोटिलेडन्स खाते हैं। क्या खाते हैं कोटिलेडन्स खाते हैं। तो देखिए ये लगे हुए हैं, बीज बाहर होते हैं। तो कभी हो सकता है इस तरह से आप काजू ना देखे हों, तो यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए लगा हुआ है काजू बाहर, फल ऊपर काजू नीचे। तो हम क्या खाते हैं कोटिलेडन्स और थैलमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड वर फर्स्ट प्रोड्यूसिंग पुंजनी अगुणित पौधे सर्वप्रथम विकसित किए गए। तो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड वर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन, तो कहाँ किए गए थे आप बताएंगे हमें। तो 27 का जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट्स करके बताएं क्या हो सकता है। तो 27 का है धतूरा। एडिबल पार्ट आप लीची टीजीटी पीजीटी का कॉमन क्वेश्चन। तो एरिल खाते हैं, कभी पूछ देता है ये एरिल कौन से इंटुगमेंट से डेवलप होता है, तो ये थर्ड इंटुगमेंट से डेवलप होता है इसका एरिल, किसका लीची का। ये कॉमन क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग शोज द हेट्रोट्राइकस हैबिट। हेट्रोट्राइकस का मतलब कई प्रकार के वो निकलते हैं, तो उसमें आएगा बताएंगे 29 में। तो 29 में आएगा कोलियोकीट, हेट्रोट्राइकस थैलस कोलियोकीट में देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में लाइसोजाइम पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है लाइसोजाइम देखने को मिलता है। द अर्ली बिलीफ ऑफ द स्पॉन्टेनियस ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज द डिस्प्रूव्ड बाय, तो किसने डिस्प्रूव्ड कर दिया था, तो किसने किया था लुइस पाश्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कितने हैं भाई इसमें, दो ही बचे हैं, दो निपटा लेते हैं। द कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम, कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम किसने दिया था, तो कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम बिंजेरिक ने दिया था। इनका कहना था कि वो एक जहरीला या विष वाला पदार्थ होता है वायरस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोटिक एल्गी पजेस क्लोरोफिल बी, इनमें से वो कौन है जो जिसमें प्रोकैरियोटिक एल्गी जिसमें क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ऑस्लेटोरिया साइटोनिमा प्रोलोक्लोरन, तो ये किसमें देखने को मिलता है 33 का ऑप्शन होगा सी प्रोक्लोरन।
क्लोक्लोरन एक ऐसा प्रोकैरियोट सेल की है जिसमें क्लोरोफिल भी देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और जीआईसी की जो मित्र तैयारी कर रहे हैं, मैं वादा करता हूं कि ये बॉटनी स्पेशल और जूलॉजी स्पेशल देखते रहिएगा, और हमारे जो पुराने वीडियो हैं 70% क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। शेयर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपके लिए ही बनाया गया है। इसी के साथ नमस्कार।